सब्सक्राइब कीजिए टिप टॉप न्यूज हिंदी चैनल को और बेल आइकन दबाए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, 90,000 पदों के बाद रेलवे मंत्रालय ने एक बार फिर से भर्ती की तैयारियां शुरू कर ली है। रेलवे करेगा 1,00,000 से अधिक पदों पर भर्तियां। हर साल 50,000 से अधिक पद हो रहे हैं खाली। इंडियन रेलवे रिक्त पदों को भरने के लिए जल्द ही 1,00,000 से अधिक नई नियुक्तियों का ऐलान करेगा। इसके लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी के RRB और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी के RRC अभी से तैयारियों में जुट गई है। रेलवे द्वारा घोषित 90,000 नियुक्तियों की परीक्षा होते ही नए पदों के लिए घोषणा कर दी जाएगी, ताकि रेलवे में कर्मचारियों की कमी न होने पाए। वर्तमान में हर साल तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 50,000 से अधिक पद रिक्त हो रहे हैं। रेल मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक रेलवे में खाली 2,50,000 पदों को इस साल के अंत तक भरा जाना है। एक साथ इतने पदों के लिए परीक्षा का आयोजन करना कठिन है, इसलिए 90,000 पदों के लिए होने वाली भर्ती के बाद नए पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अधिकारी के मुताबिक लंबे समय से रेलवे में नियुक्तियां नहीं हुई थी। ऐसे में रेलवे की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पहले खाली पदों को भरा जाए। भर्ती प्रक्रिया होगी पारदर्शी। रेलवे में होने वाली सभी भर्तियां पारदर्शी तरीके से हो सके, इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करा रहा है। इसके लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने सभी जोनों से खाली पदों के साथ ही 2018-2019 में खाली हो रहे पदों का ब्यौरा मांगा है। बार बार रेलवे में कर्मचारियों की कमी की बात उठती रही है, इसलिए पहली बार इतने व्यापक स्तर पर नियुक्तियाँ की जाएंगी, ताकि कर्मचारियों की कमी न रहे।